नाजीन मैं हूँ आपकी होस्ट दैनी और आप देख रहे हैं विद शाह और यकीनन आज का दिन भी आपका बहुत खूबसूरत और बहुत मजेदार होगा क्योंकि आज संडे का दिन है जैसा कि आपको पता है कि जो संडे का दिन होता है वो यकीनन सबकी छुट्टी का दिन होता है और उस दिन पहले तो ऐसा होता था कि संडे के दिन हम लोग बड़ा इंजॉय करते थे थोड़ा सा लेट अपनी नींद पूरी करके उठते थे पर अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है वो ये है कि लोग संडे के दिन जल्दी उठ के अपनी फैमिली को टाइम देते हैं बाहर जाते हैं मज़े मज़े के नाश्ते करते हैं अब थोड़ा सा मेरा भी दिल हो रहा है हलवा पूरी और इस टाइप के नाश्ते करते हैं और इन्जॉय करते हैं और अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं मकसद ये है कि पूरा वीक जब आप काम को टाइम देते हैं सुबह जाते हैं तो वो आपके बगैर सुबह नाश्ता करते हैं सारी चीज़ें करते हैं फिर एक दिन होता है उस दिन आप सोचते हैं कि यार हमारी नींद पूरी हो जाए इसलिए भी फिर वो सोचते हैं कि ठीक है अब इनकी नींद पूरी होनी चाहिए क्योंकि पूरे हफ्ते तो ये ऑफिस या अपनी जॉब पे गए पर बड़ी समझदारी वाली चीज़ है कि सुबह जल्दी उठ के उनको टाइम दें उनके साथ नाश्ता करें उनको अपने होने का एहसास दिलाएं और उसके बाद चाहे आप दिन को सो जाएं अपने होने का एहसास हर रिश्ते में दिलाना चाहिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ैमिली है तो आपने फैमिली में अगर आपके चाहे हस्बैंड है वाइफ है बहन है भाई है वालदेन है कोई भी है सिर्फ उसमें अपने होने का एहसास नहीं अगर आपका रिश्ता दोस्त भी अगर कोई है वहाँ भी उसके अलावा भी कोई और रिश्ता है वहाँ भी अपने होने का एहसास जरूर दिलाना चाहिए क्योंकि जिंदगी अब इतनी फास्ट हो चुकी है और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है और इतना कुछ है और इतने कुछ के साथ हमारे पास स्मार्टफोन भी है जिसमें आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं तो उस दौर में अपने रिश्तों को बहुत स्ट्रॉग तरीके से अपने साथ बांध के रखें मोहब्बत से ना कि गुस्से और लड़ाई से नहीं कैद करके ना रखें मोहब्बत से अपने से बांध के रखें उनकी केयर करें हर चीज़ हर उनका अच्छा जो दिन जो सेलिब्रेशन का दिन होता है जो उनके लिए बड़ा ख़ास होता है उस दिन को याद रखें और उनके लिए भी ख़ास बनाएँ ताकि उन्हें महसूस हो कि कोई है जो केयर करे थोड़ी सी औरत पे अगर मैं बात करूं तो औरत को जो है अगर रिश्ते में सबसे पहले चीज़ चाहिए होती है तो उसे मर्द से केयर चाहिए होती है रिस्पेक्ट चाहिए होती है उसके बाद बाकी चीज़ें आती है पर ये दो चीज़ें सबसे पहल पहले आती है उसको उसका टाइम चाहिए होता है जब मर्द उसे रिस्पेक्ट भी दे रहा है पर उसकी केयर नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है वो टाइम नहीं दे पाता तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ वो औरत थोड़ा दूर होना शुरू कर देती है और जब वो दूर होना शुरू करती है और वो उस आदत को अपने अंदर ले आती है कि ठीक है बस इसी तरह चलेगा या बस ठीक है इतनी लिमिट है इसको यही रोक देते हैं तो आप यकीन करें बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि जब औरत कुछ सोच ले फिर उसके बाद औरत उस सोच से कभी हटती नहीं ये मेरा कहना है पर मैं ज़रूर आप भी अगर कॉल करके कुछ अपने तौर पे कुछ बताना चाहें कि नहीं यानी ये बात नहीं है ये ऐसा है आपने ठीक कहा या आपने ठीक नहीं कहा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं कॉल करने के लिए आपकी टीवी वी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर हैं उसके अलावा आप हमें कॉल करके हमारे शो पे जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मौजूद हैं उनसे भी अगर बात करना चाहें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं उसके लिए हम लाइव है दस बजे तक इस सेगमेंट में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं आप सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारे गेस्ट कौन है हमारे साथ हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर फ़हीम इजरीशी उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पर असल कैसे हैं आप अच्छा सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है और वो आज का सिर्फ हमारे शो का टॉपिक नहीं है अगर हम अपने आस पास देखें या अपने घर में भी देखें तो एक डायबिटिक पेशेंट हमें ज़रूर मिलता है मैं एक चीज़ सबसे पहले जो कि मैंने अपने शो पे आज तक माशाल्लाह मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं हर्बलिस्ट सब आते हैं मैंने कभी किसी से सवाल नहीं किया फर्स्ट टाइम मैं आपसे कर रही हूँ अब आप आप सोच रहे हो कि किसी से नहीं किया कहीं ज़्यादा ही मुश्किल ना हो मैं ये पूछना चाहूँगी डायबिटिक पेशेंट अगर कोई है और शुगर होने की क्या वजूहत होती है हम बात तो करते हैं कि अगर शुगर हो गई तो आप ये इलाज है आपके लिए ये इलाज है इतने महीने का कोर्स है आप ये कर लें आया शुगर से बचने के लिए कुछ चीजें हैं कि जिन लोगों को अब नहीं हुई तो वो बच सकते हैं या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका भी देखने वाले नाजरन को भी असला वरक देखें बात यह है कि ये वो नेचुरल बीमारियाँ नहीं है जो गुजशत पच्चीस हजार साल से दुनिया में राइज हों ये वो बीमारी है जो हमारी आर्टिफिशियल डाइट फूड लाइफ स्टाइल यानी जब हम नेचुरल से हटें हाँ। कुदरती बताई गई बनाई गई एक दुनिया से हटें आर्टिफिशियल अननेचुरल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह दी जहाँ बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया वहाँ शुगर भी एक बीमारी है अगर आप रात को वक्त पे सोते हैं अगर आप अपनी डाइट्स के अंदर तिब्बे नबी का इस्तेमाल करते हैं चीनी की जगह गुड़ स्टीविया प्लांट, इसी तरह गंदम का बेदरग इस्तेमाल बंद कर दें जो सुन्नत है गंदम सुन्नत नहीं है चावल का बेदरी इस्तेमाल बंद कर दें अच्छा। ड्रिंक्स रातों को देर तक जागना फारम की मुर्गी ये जो चिकन है ये सब चीज़ें वजह बनती हैं शुगर की अच्छा उसके अलावा एक और जो मोबाइल का बेदर इस्तेमाल जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है अच्छा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ग्लैंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके शुगर ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने का अच्छा ठीक। जब आप मोबाइल का बेदरी इस्तेमाल करते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है ठीक और जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ जाती है तो ये कुछ चीजें हम यही कहते हैं कि अगर लाइफ स्टाइल आप अच्छा कर लें जिसमें आप अपना फूड स्टाइल अच्छा कर लें और जितनी भी आर्टिफिशियल मेडिसिंस हैं जो वक्त ही तौर पे आपको कंट्रोल करती हैं आपकी बीमारियों को उनको तर्क कर दें आप तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा अच्छा क्योंकि इस बेहतरी के बाद ना सिर्फ शुगर अब किसी भी अमराज से बच सकते हैं बच सकते हैं ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि आ, हम नेचुरल चीजों से वाकई जो है वो दूर हो चुके हैं कुछ तो आ, आदत हम लोगों की इस तरह से होगी और कुछ जो आगे पीछे प्रोडक्ट ऐसी आ चुके हैं कि हमें पता ही नहीं होता और हम यूज़ कर रहे थे और फिर उसके बाद हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है हम नींद से बहुत दूर हो चुके हैं जो एक होता था रात की नींद लेना बच्चों को रात को दस बजे ही सला देना वो उस टाइम एक दौर एक ही चैनल का होता था खैर मैं इतनी भी पुरानी नहीं पर एक जो चीज़ है मेरी अम्मा मुझे बड़ा कहती थी ना जब वो जिंदा थी कि रात को जल्दी सोया करो जल्दी सोया करो हम लोग तो इतने बजे सो जाते थे तो सारी बातें जहनों में बसी हुई हैं तो रात को ना सोना फिर सुबह दिन तक सोते रहना और फिर उठते ही मोबाइल सबसे पहले हम लोग ऐसे मोबाइल चेक करते हैं अल्लाह माफ़ करे जैसे सुबह उठते ही पता नहीं कोई नेकी का बहुत बड़ा काम करें आंख एक खुली होगी और एक बंद और हम मोबाइल यूज करेंगे बहुत अच्छी आपने बात की अच्छा उसी के साथ अब हम आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है आ, शुगर के मरीजों के लिए आप जो ट्रीटमेंट देते हैं वो किस तरह का ट्रीटमेंट होता है उनके उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उसी के साथ शुगर की कितनी इकसाम है देखिए शुगर की अगर जदीद जो ये तरीका इलाज इस वक्त दुनिया में राइज है जो ज्यादा मशहूर तरीका तरीका इलाज इलाज है अंग्रेजी तरीका इलाज, इसके अंदर दो टाइप्स की शुगर कंसिडर की जाती है मगर हम तिब की दुनिया की बात करें तो तकरीबन शुगर के टाइप्स हैं क्योंकि हम मिजाज को देख रहे होते हैं कि मिजाज आया वो सर्द खुश्क है खुश्क सर्द है गर्म तर है तर गर्म है इस तरह छ मिजाज है जिसमें हम शुगर को बायफिकट कर रहे होते हैं अच्छा हम क्या करते हैं हम आर्टिफिशियली कोई भी इंसुलिन टेबलेट कैप्सूल सफूफ या इंजेक्शन की शक्ल में नहीं देते अच्छा क्योंकि अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मिकदार आर्टिफिशियली बाहर से आ जाए तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर नहीं करेगा पेन के रियाज को लब लबे को इतना लेवल ग्लूकोज का आ गया आपने इतनी इंसुलिन रिलीज करनी है अब वो नेचुरल से सिस्टम हट गया क्योंकि इंसानी जिसम में छह पड़ी और छोटी लाता फैक्ट्रीज है जो कि बहुत सारे हारमोन बना रही हैं है जिसमे भी है अद्वियात बना रही हैं आपकी कोई भी बीमारी उसके ट्रीटमेंट पहले अल्लाह ताला की तरफ से आपके जिसम में बनती है बन मेडिसिन बनती है हम क्या करते हैं कि वो फैक्ट्री जिसका नाम लबलबा है पेनकी रियाज है उसके अंदर ग्लोकोजिन और इंसोलिन कितनी मकदार में बननी है क्यों नहीं बन रही उसकी वजुहत को खत्म करते हैं

Artificial अंग्रेजी बंद में है कि जिन लोगों की शुगर जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है और वो आधी हो चुके हैं छठ सालों से उस मेडिसिन का और वो एकदम से फिर अगर खाते हैं तो वो एक दो दिन में हाई नहीं होती शुगर उसके बारे में भी थोड़ा सा एनी लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारे पास मरीज पाँच से दस किलो की थैलियां लाता है रिपोर्ट्स की हाँ। और दो चार के जी की टेबलेट्स की वो लेकर आता है शॉपर था हाँ। तो हमारे पास तो पेशेंट ही वही आता है जो पंद्रह बीस साल पच्चीस तीस साल से बीस हाँ, काफी है। पुरानी है। दे मैं दे उन्हीं पेशेंट को टारगेट कर रहा हूँ हाँ। और जब वो पेशेंट टारगेट हो गए तो बाकी तो खुद ही ठीक हो गये मतलब इस मेडिसिन के बाद कितने दिनों में कंट्रोल बस मैं वही बताने लगा था आपको की तीन दिन में आपकी शुगर चाहे फाइव प्लस क्यों ना हो इंसुलिन क्यों ना लगता हो अंग्रेजी अद्वियात बंद हो गई के लिए खत्म हो जाता है अच्छा। और ये एक नहीं मौजूद है हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर फहीम नाम से और बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल है डेली एक दो पेशेंट के इंटरव्यूज अपलोड हो रही होती है बाकी आप आए हमारे क्लिनिक के एड्रेसेस भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे होंगे नंबर भी चल रहे होंगे तो डायरेक्ट कॉल करके भी मुझसे राबा कर सकते हैं सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे भी राबा कर सकते हैं तो ये एक हकीकी बात है और मैं अपने मरीज को ये कहता हूँ कि आपको जो भी फीडबैक है इसी प्रोग्राम में आप ज़रूर दिया करें बिल्कुल अच्छा मुझे बताइएगा ये जो आप अपनी अपना जो ट्रीटमेंट करते हैं ये परमानेंट होता है या कुछ मंथ्स का होता है उसके बाद शुगर खत्म हो जाती है मतलब क्या ट्रीटमेंट आप देते हैं थोड़ा सा परहेज हम ये कहते हैं कि जिस दिन आपका शुगर का मर्ज खत्म हो गया तो परहेज जो हम बताते हैं मजीदी डेज करना है ठीक है फिर आप मजीद परहेज अगर करते हैं तो शुगर डाउन होना शुरू हो जाती है परहेज आपको एक वक्त आएगा तोड़ना पड़ेगा अच्छा मगर वो भी एक लिमिट होगी अगर आप दोबारा ओवर करेंगे आप फिर रातों को जागेंगे ठीक है। क्योंकि रात दस बजे के बाद कुछ हारमोन रिलीज होने होते हैं अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से आपकी बॉडी में उसके अच्छा लिए अच्छा आपको सोना जरूरी है वक्त ताजुद और फजर के बाद हाँ। आपको जागना जरूरी है क्या बात है तो ये अल्लाह ताला का एक कानून है एक ये नेचर है जिसको हम तर्क किए बैठे कि आपने कितनी अच्छी बात की मैं यहाँ पे इस बात पे जरूर बात करना चाहूंगी कि आप देखें अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हाजुद और फजर में हमें उठना है क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और हम लोग उसी टाइम सोए हुए होते हैं बिल्कुल है ही है क्या बिल्कुल आप है? ये देखें ना ओबीसीटी भी आप देख रहे हैं वेट जो पेशेंट है उसकी वजह रात गए टीवी चल रहा है या आपके सोशल मीडिया आप नेट यूज कर रहे हैं मोबाइल यूज कर रहे हैं और कोई चिप्स रखे हैं आर्टिफिशियल आपके फूड्स रखे हुए वो आप खा रहे हैं तो वो आपके शुगर की भी वजह बन रहे हैं ब्लड प्रेशर की भी वजह बन रहे हैं कोलेस्ट्रोल की भी वजह बन रहे हैं हम इस वक्त नेचुरल कोलेस्ट्रोल गुड कोलेस्ट्रोल से दूर हो गए जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है बैड कोलेट्रोल बैड कोलेस्ट्रोल लेवल हम बढ़ा रहे हैं हाँ। आर्टिफिशियली जो हम खा रहे है हाँ। तो हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि तबीब और डॉक्टर साहब की जान छुटे बिल्कुल अच्छा जी आप जो है आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फोन नंबर आ रहे हैं लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है कॉल लेते हैं असलामीकुम वालेकुम असल कौन बात कर रहे हैं मैं रजा बात कर रहा था कराची से जी रजा क्या कहेंगे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेंशन है ये भी क्या इसकी ये भी अलामत है शुगर की बीमारी का बढ़ने का और अगर इलाज करा भी डॉक्टर साहब से तो ये टेंशन जो है ये इंसान के अपने अख्तियार में या उसके मामला पर तो डिपेंड करती है ठीक है ना तो क्या ये तो मेडिसिन खाने के बाद टेंशन तो रिलीज नहीं होगी तो शुगर क्या कंट्रोल हो सकेगी एक बात दूसरी तो बात ये कि मेरी एक कजन है उनकी बेटी को तकरीबन फोर हंड्रेड शुगर रहती है आज तकरीबन हरसा हो गया उसको तीन चार पाँच साल ज्यादा हो गए और काफी इलाज किया उसको कोई फायदे नहीं हुआ तो वो शुगर जो है क्या डॉक्टर साहब अपने इलाज से उसको उसका वो कर सकते हैं जी रजा तो भाई दो पहले दो पहले मरीज के हवाले से बताइएगा क्या आप खुद मरीज है नहीं मैं मरीज मेरी कजन है वो मरीज़ नहीं जो फर्स्ट पेशेंट डिसऑर्डर की जो पेशेंटिक मैं खुद हूँ अच्छा ये बताइएगा आप कोई अंग्रेजी मेडिसिन ले रहे हैं। जी, जी, मैं के अपना को हूं। मैं नाम नहीं लीजिएगा मेडिसिन का मैं आपको ऑनलाइन जवाब देता हूँ अभी आपने एक मेडिसिन का नाम लिया मैं रिपीट नहीं करूँगा रजा भाई ये वो मेडिसिन है कि जो गायनी और ऑब्स की हमारी डॉक्टर्स भी अगर इनफर्टिलिटी का केस आए तो उसको देती हैं अच्छा। इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन ही आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं ये कहता हूँ डिस्टर्ब करना है तो जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो टेंशन ऑलरेडी होगी तो ये कोई भी जो आर्टिफिशियल मेडिसन होती हैं, इनके अंदर जब तक एसिड और तेजाब ना डाला जाए तो यह टेबलेट ये टेबलेट टैबलेट की शक्ल में नहीं बनेगी इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं बनेंगे फॉर्म नहीं बनेगा नहीं। तो आपने अंग्रेजी अद्वियात तर्क करनी है शुगर के मरीज दोनों मेरे बहन और भाई आप लोगों के लिए गंदम चीनी चावल आपने बन कर देना है रात को वक्त पे सोने की कोशिश करें अर्क के गुलाब आंखों में डालें टेंशन रिलीज करता है अधिसीब के मफह में तलबीना यूज़ करें आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर में इंतकाल होता तो उसके घर वालों को फरमाते हैं तलबीना यूज करो तलबीना एक सादी सी रजा है जौ का दलिया इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो भी सालन तैयार हो वो डाल सकते हैं मौसम के एतबार से दही का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेरी नहीं का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आर्टिफिशियल अब स्ट्रॉबेरी मेरे घर की छत पे लगी है उसका जायका खट्टा होता है मार्केट में जो मिल रही है वो शहद की तरह मीठी है तो वो जो मार्केट में मिल रही है उसके अंदर कारीगरी की गई है बस आपने सबसे पहले अहमद को एड्रेस देना है स्ट्रॉबेरी तोड़ने तो कहने का मतलब ये क्या आपने ओरिजिनल चीजों को टारगेट करना है कोई भी इशू मेरे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस देते हैं ठीक है क्योंकि ये एक सदका जा रही है अभी है और पेशेंट आप हो या मेरी बहन हो वेरी फर्स्ट डे इंग्लिश मेडिसिन जो अंग्रेजी अद्वियात बंद विद इन अ थ्री डे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी चाहे 500 प्लस क्यों ना हो ठीक है जी अच्छा आपने गन्दुम चीनी और चावल का है कि छोड़ दें और फिर अगर आप गंदुम नहीं ले रहे तो जौ का आटा जौ का आटा ठीक है और चीनी नहीं ले रहे तो गुड़ और गुड़। अगर चावल नहीं ले रहे तो चावल अच्छा, बिल्कुल के लिए जो डायबिटिक नहीं है अगर डायबिटिक का आप शिकार हैं तो फिलहाल कम असम तो फिर तो आप आपको गुड़ भी क्योंकि एक साइकेट्रिक भी इस वक्त ये माहौल बना दिया गया कि मीठे से शुगर बढ़ती है हाँ। तो साइकेट्रिक इफेक्ट होता है फॉर एग्जाम्पल अभी एक केस स्नेचिंग का हमारे एक साफी के साथ हुआ जी जी बिल्कुल तो जब भी कोई वेपन आपके सर पे रखता है तो वो फायर बाद में होता है पसीना पसीना पहले हो जाता है और जो हार्ट पेशेंट होता है उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है तो ये जो सोच है जो इन्वायरमेंट आप फील करते हैं उसके बाद जो बॉडी रिएक्ट करती है तो वो गुड़ भी आपको नुकसान पहुंचाता है ठीक है जी तो फिर जो डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो गुड़ भी ना लें शुरू में जब कंट्रोल हो जाए तो कभी कभी चलें ठीक है जुबान का चस्का है ना हाँ ऐसा लिमिटेड तो में आप सब कुछ ले सकते हैं हाँ ले सकते हैं मगर उसमें लिमिटेड आपके कुछ परहेज होते हैं और डिटेल चाहिए हो तो डाइट चार्ट मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें ठीक है जी इनके हाँ। नंबर भी आ रहे हैं अगर डिटेल में अगर आप सवाल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं कॉल करके अपनी रिपोर्ट्स भी सेंड कर सकते हैं आ भी सकते हैं इनसे प्रॉपर चेकअप भी करवा सकते हैं और एक कॉलर और मौजूद है ले लें कॉलर असला अच्छा जी कॉल जो है वो हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है तो इसी के साथ फिर हम ब्रेक लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे कॉल आप करते रहे ब्रेक से वापस आके मैं कॉल लेती हूँ वेलकम बैक जी नाजरीन हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वी कैन शाइन विद शाह और आप हमें शो में लाइव कॉल कर सकते हैं लाइव कॉल करने के लिए आपकी टी वी स्क्रीस पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं आप डॉक्टर साहब से कोई अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहें कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अच्छा मैं आपकी जानब आऊँगी आप थोड़ा सा शुगर के उससे टॉपिक से हट के हम थोड़ा सा मोटापे की तरफ आते हैं अब आप देखें चाहे वो लड़के हों लड़की हो एज बहुत कम हो बहुत ज़्यादा एज हो है हो मतलब को किसी भी एज में एक मोटापा जो है वो एक हम पहले तो सुनते थे कि मोटापा खुद एक बीमारी है अब तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है अगर आप थोड़े से मोटे हो आप लोगों में बैठना छोड़ देते हो आप बाहर जाना आपको अच्छा फील नहीं होता आप बहुत सारे लोगों में किसी भी कोई गैदरिंग है आप वहाँ नहीं जाते तो मोटापा जो है सबसे पहले तो मोटापे पर आज हम बात करेंगे आप मुझे ये बताएं चंद चीज़ें बेसिक ऐसी क्या हैं जो हमें मोटापे की तरफ लेके जाती हैं देखें एनी ओबेसिटी की हम जहाँ पर बात करते हैं इसकी तीन चार वजुहत है एक तो बाई बर्थ आपको वालदेन की तरफ से डी एन ए में मिलता है ठीक। अच्छा वो भी खत्म किया जा सकता है क्योंकि वो भी भीचुरल ही है अल्लाह ने इंसानी तस्म को बेडबा नहीं बनाया अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आ रही है उसमें हमारी कोई ना कोई गलती है हमारा लाइफ स्टाइल हमारा फूड स्टाइल जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि गंदुम चीनी चावल का बेहद इस्तेमाल चीनी के अंदर ऐसा केमिकल जो प्रोसेस ये गुड़ होता है ये गन्ना होता है जो कि पहले गुड़ की शक्ल में लाया जाता है एक मखसूस फिर इसमें मखसूस किस्म का एक केमिकल मिलाया जाता है इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप गन्ने की शक्ल देखें उसके रस की शक्ल देखें आप गुड़ की शक्ल देखें और चीनी देखें कितनी ट्रांसपेरेंट है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक मखसूस केमिकल डाला जाता है जो कि आपके हारमोनल डिसऑर्डर पैदा करता है जहाँ हारमोन डिस्टर्ब हुए वहाँ ख़वात की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है एक आईनी लाइफ डिस्टर्ब होती है यही मर्द के साथ भी होता है ठीक है वहाँ पे जिसम में गैर जरूरी बाल ओबेसिटी ये दो बड़ी जबरदस्त चीज़ें होती हैं अब इनसे बचने के लिए आपको आर्टिफिशियल जितनी भी लाइफ है आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है नींद प्रॉपर रात को लेनी है आपने आपने इस तरह की कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है टी आपने ज़्यादा नहीं देखना लिमिटेड देखें आपने एक तरीका होता है हर चीज़ का मोबाइल है लेट के मोबाइल और टीवी ना देखें करीब ना रखें मोबाइल टी को ये भी चीज़ एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है अब हम और फिर दूसरी एक और चीज़ कि हमारी ख़ास तौर पे ख़ुती डाइट कंट्रोल पे जाती हैं अब वो जो बिस्किट ले रही होती है ना डाइट कंट्रोल में जी जी। उस बिस्किट के अंदर गंदम अजीब व गरीब सा कलर अजीब व गरीब सा एसेंस खुशबू डाली भी होती है उसके अंदर अब वो तमाम जो एक तेजाबी एसिड डाला हुआ होता है हाँ। उसकी वजह से वो नुकसान कर रहा होता है बेड कोलेस्ट्रोल पैदा हो जाता है जो एंटीबोस्ट टिश्यूज के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है अब आप इसी तरह जो है वो पानी का बेदरह इस्तेमाल भी आपके स्टमक के साइज को बढ़ा देता है देखिये हमें ये समझना होगा खाना भी अच्छी से हमने तो हमेशा ये सुना है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए बिल्कुल गलत है ये झूठ है ये गलत है ये धोखा है ये डायलिसिस का एक बिजनेस है

जो एयर थी उसको बिल्कुल बंद कर दिया अब जो नेचुरल लाइफ के करीब के करीब थे उन्हें नेचुरली फीलिंग नहीं आई क्योंकि उनका सेंटर सिस्टम डिस्टर्ब था उन्हें पता ही नहीं चला कब नींद आ गई और कब नींद से वो मौत के आहोश में चले गए तो जब हम नेचुरल लाइफ से हट जाते हैं तो हमारी फीलिंग भी खत्म हो जाती है हमारी जो बॉडी की डिमांड भी है वो भी खत्म हो जाती है अब एक इतनी सी किडनी है उसमें मलमल के कपड़े से भी बारीक झिल्ली है जिससे वो पानी गुजारना है आप आठ आठ गिलास एक एक जग दो दो जग पानी नहार मुंह फास्टिंग में और जबकि फास्टिंग में आपका ये ताज फजर का वक्त ऐसा होता है कि उस टाइम आपकी बॉडी रिसेट होती है पूरी बॉडी रिसेट होती है हीट पे होती है गरम गरम तवा हो उस पर आप कभी पानी डाल के देखें वो आपको बताएगा कि क्या किया है तुमने मेरे साथ गरम गरम-गरम आग पे आप पानी डाल के देखें तो टेम्परेचर बॉडी का अर्ली इन द मॉर्निंग ज्यादा हीटअप पे होता है सारे दिन के मुकाबले में हर चीज रीसेट होती है हम क्यों कहते हैं शुगर फास्टिंग में चेक करें हम क्यों कहते हैं कि ब्लड प्रेशर फास्टिंग में चेक करें उस टाइम आप हर चीज आपकी रीसेट हो रही होती है तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है अगर आपको कोई भी चीज समझ आज नहीं आ रही कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर ठीक आप ये नहीं कह सकते कि हम कैसे पता करें कि नेचुरल डाइट क्या है डॉक्टर है। है। हाँ। तो हाँ। सलाम जी कौन बात कर रहे हैं जी मैं अली मुशरफ बात कर रहा हूँ जी जी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब से ये पता करना था मैं सुबह में थकन हो जाती है ना सो ही उठता हूँ और मतलब

और कहूँ ग्रिप करके इसको पकड़े तो पकड़ सकेंगे या उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। फील करेंगे नहीं थोड़ी सी होगी ना सुबह ऐसा थोड़ी है की अल्लाह उसके बाद सही हो जाता है आपका ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड टेस्ट करवास आपको जवाब देते हैं जी डॉक्टर आप जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर दे आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कोशिश करें चावल ना खाएं फार्म की मुर्गी ना खाएं बड़े का गोश्त ना खाएं कोल्ड ड्रिंक ना लें यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए एक नुस्खा भी मैं बता देता हूँ आपके तवस्त से कि खीरा ले लें खीरा उसके छिलके समेत आप काट लें और रात को किसी प्लेट में सजा दें मलमल का कपड़ा है कोई बारीक चादर उस पर ढाप के हवादार कुदरती हवादार जगह पर रखें ए सी में नहीं रखना कमरे में नहीं रखना कुदरती हवादार किसी जगह पे रखें सुबह नारो आपने नाश्ता उसका करना है

ओके okay, ठीक है जी अगर आप लोगों में से भी किसी को ऐसा फील हो रहा है और टेस्ट करवाने से पहले वो खुद टेस्ट करना चाहते हैं तो इस है। तरह से आप आपको बताऊं टॉपिक से मजीद मैं हट जाता हूं हूँ क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला की तरफ से जहन में आई या मानत है हाँ तो ये जी। दे देनी चाहिए देखिये पच्चीस हजार सालों से ये लेबोरेटरीज नहीं थी हम इसी तरह टेस्ट किया करते थे हमारे घरों में दाई होती थी अंगूठा छाप जो बता देती थी दो तीन माह पहले की माँ के पेट में लड़का है या लड़की है आया माँ के पेट में बच्चा जिंदा है या मुर्दा है क्या बात है अब मैं आपको टेस्ट बता देता हूँ मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा इनशाला मैं आपको उसके हल तक लेके जाऊंगा अगर खातून की आंखों में चमक है डिलीवरी से पहले तक तो उसके पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है अच्छा अगर वो चमक खत्म हो जाती है चमक क्या ये चमक एक आम लोगों की आंखों में भी होती है मगर मैं प्रेगनेंसी के दौरान बता रहा हूँ कि खातून की आंखों में चमक है वो रिफ्लेक्ट कर रही है यानी कोई चीज चमकती हुई नजर आ रही है जैसे आईने में नजर हाँ। आती है इट्स मीन के पेट में बच्चा जिंदा है अच्छा ये एक टेस्ट हो गया क्या एक अल्ट्रासाउंड हो गया दूसरा अल्ट्रासाउंड जो के करवाने के लिए खातन तरस रही होती है की माँ के पेट में बेटा या बेटी है, <laughs> अगर हाँ। खातून लेफ्ट साइड करवट नहीं सो पाती है इट्स मीन के बेटा है क्योंकि बेटा हमेशा लेफ्ट साइड होता है अच्छा बेटे का मिजाज लड़के का मिजाज मर्द का मिजाज उजलाती होता है मस्कुलर होता है हाँ। तो उजलाती मिजाज जो है वो लेफ्ट साइड कहलाता है राइट पे क्योंकि और... औरत हमेशा राइट होती है तो फिर वो औरत कॉल आगे आपके हैदराबाद से तो जरूर लेंगे डॉक्टर मैंने बात ही खत्म कर दी है असला जी कौन बात कर रहे हैं अच्छा जी फैसलाबाद से बात कर रहे हैं क्या कहेंगे

एनी केस मॉर्निंग शो के तवसु से सुन लें अब आपने मिसाल के तौर पे दो बजे खाना खाना है तो आपने डेढ़ बजे पानी पीना छोड़ देना है और चार बजे तक पानी नहीं पीना खाने के दरमियान भी पानी नहीं पीना पहली चीज़ खुश्क चीज़ें बड़े का गोश्त फारम की मुर्गी आपने नहीं खानी चावल आपने नहीं खाना तीसरी चीज़ आपने खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ठीक। आपने देसी गाय का जो घी होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है मक्खन ऐसा देख लें जो गाय का हो विदाउट सॉल्ट हो यानी नमकीन ना हो गाय का हो वो ना मखन इस्तेमाल करें बेकरी आइटम्स बंद कर दें ये प्रॉब्लम हर दूसरे तीसरे बंदे को है और हम कोयटा शहर में अगर चले जाएं तो हर मरीज़ के साथ ये प्रॉब्लम है अच्छा। जिसकी वजह से दीगर अमराज पैदा होते हैं ये मिजाज आपका खुश्क है जिस सम में आप देखते होंगे निशाना नज़र आते होंगे खुश्की हो जाती होगी ख़ारिश हो जाती होगी तो ये सब निशानी है खुश्क मिजाज की सौदावी मिजाज की उजलाती मिजाज की अच्छा एक चीज़ में और ऑफ़र कर रहा हूँ आप लोगों को इनके तवसु से कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अगर आप अपने हाथों की तस्वीर भेज देंगे तो मैं आपको मिजाज बता दूंगा कि आप छः में से किस मिजाज पे हैं इस वक्त डॉक्टर तो साहब पहले मेरा मिजाज बता। आज हम लाइव टेस्ट करें मैं कभी भी इस तरह लाइव अपना टेस्ट नहीं करवाती कि गलत मिजाज सामने ना आ जाए इसलिए सब एहतियात बताना आपने मैं, मैं बता दूंगा एहतियात रख के अच्छी बात है बता दी में सारे राज खोल देता। <laughs> देखिए मैंने आप इस वक्त नेचुरल पे हैं जो गुद्दी मिजाज खातून का होता है उस पर है मगर कुछ आपको कमर के पिछले में दर्द की शिकायत है बस मैं आपकी मुरीद हो गई आपने बिल्कुल ठीक कहा है मैं आप मेरी तरफ से बिल्कुल पास है ये मैं लाइव कह रही हूँ इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है आपको पता मैंने अचानक किया मुझे अपने उस्ताद मोहतरम की एक बात याद आ गई गयी की अक्सर दीवारों पे लिखा होता है कि महबूब आपके कदमों में हाँ जी। मगर कहीं ये नहीं लिखा होता कि बीवी आपके कदमों में <laughs> क्योंकि आमिर साहब खुद शादी शुदा थे <laughs> तो बात ये कि दीगर खातिन और मरीज तो सेटिस्फाई हो जाते हैं मगर घर के लोग नहीं घर के लोग नहीं होते क्या बात है लाहौर से हमारे साथ कॉलर मौजूद है कॉल लेते हैं असलामेकुम जी क्या कहना चाहेंगे Uh, मैं लाहौर से उस्मान बात कर रहा हूँ uh, मैडम मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि uh, मेरे बाल जो है ना वो बहुत जल्दी सफेद होना शुरू हो गए हैं। बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा नजला ज्यादा रहता है आपको हाँ जी ठीक है सर में दर्द भी रहता है सर दर्द तो नहीं सर है? होता है ठंड जल्दी लगती है एसी की हवा नुकसान करती है आपको हाँ जी ठीक है ऑन या जवाब देते जी देखिए ये हमने मिजाज इस वक्त ये बलगमी मिजाज में है अच्छा अब बाल सफेद करने का जो काले करने का नुस्खा भी दे देता हूँ आपने आलू के चार पीस कर ले सफेद आलू अच्छा। लाल आलू नहीं नी अच्छा, चार पीस कर लें और उसको आपने रात को सोते हुए अपने बालों पे रगड़ना है पहले उसको थोड़ी देर हवा में छोड़ दें अपने तमाम बालों पे अच्छा हाँ, बालों पे मैं समझी स्कैल्प तमाम बालों पे चाहे वो दाढ़ी के बाल हो सर के बाल हो हेयर के ऊपर अब उसको पहले आपने हवा में छोड़ देना है तो थोड़ा सा काला होने लगेगा वो रगड़ने के बाद सरसों का तेल सरसों का ओरिजिनल तेल मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सोयाबीन है मगर इसका मिजाज भी वही है तो काम वो हो जाता है ठीक है आपने सरसों का तेल हल्के हाथ से अपने उंगलियों के पोरों से मसाज करना है और प्लास्टिक की थैली या कोई सर्ज टोपा आपने उन बालों पर लपेट लेना है सुबह तक के लिए या आपने शुरू में कोई हफ्ता पंद्रह दिन रोजाना करना है फिर आपने ऑल्टरनेटिव डे करना है फिर आपने हफ्ते में एक दफ़ा करना है या आहिस्ता आहिस्ता करके जैसा रिजल्ट आता जाए आपने इसके गैप शुरू कर देना है मगर ये मुस्तकिल इलाज नहीं है अच्छा। असल मसला इनके हार्मोनल पीछे इशू है कि इनके बलगमी इनका आसाबी मिजाज डिस्टर्ब हुआ हुआ है उसके लिए इनको अंडा खाना है इनको खजूर खानी है अच्छा। इसका इस्तेमाल बढ़ाना है ठंडे पानी को छोड़ देना है चावल इनके लिए भी नुकसान देना अगर रोज अंडा खाना है तो रोज खा सकते हैं रोज अंडा? खा सकते हैं एक देसी घी में तल के खा सकते हैं अच्छा। सरसों के तेल में तल के खा सकते हैं बॉईल करके खा सकते हैं ओके। अंडा फार्म का ना हो देसी होना चाहिए चाहे वो मिश्री चाहे मिश्री मुर्गी मुर्गी बड़ी सस्ती है हम कहते हैं हमारे पास शॉर्टकट बहुत सारे है हकीमों के पास पड़े असल हकीम है ना वो आपको यहाँ भी बता देगा की ये यूज कर लो काम चल जाएगा तुम्हारा कोई कावा बता देगा काम चल जाएगा देसी अंडा एक मिश्री मुर्गी हजार पंद्रह सौ की मिल जाती है <coughs> रोजाना एक अंडा बिचारी सीधी शराफत से दे देती है <coughs> आपने वो अंडा इस्तेमाल कर लेना है पर उसका मुर्गा बहुत मारता मेरे पे मैंने मिश्री मुर्गी की अगर बात की है तो ये वाहि मुर्गी इसको मुर्गे की जरूरत नहीं होती अच्छा ठीक है मुझे नॉलेज नहीं, नहीं। खजूर कितनी खानी खजूर आप इसमें ताकत इस्तेमाल करेंगे तो सुन्नत तो नबी मुकम्मल हो जाएगी एक तीन या पाँच ठीक है जी मतलब आपने एक अंडा रोज देसी लेना है आप फ्राई करके लें आप बॉयल करके लें फिर आपने खजूर जो है एक या तीन ये आपने लेनी है लाजमी तो इन काफ़ी बेहतरी आएगी अच्छा मैं आपकी तरफ आती हूँ एक चीज़ और जब हम मोटापे पर बात कर रहे थे तो आपने कहा सुबह उठ के जो इतना सारा पानी और ये सब चीज़ें एक चीज़ मुझे और बताइएगा हम लोगों के जहनों में एक बड़ी चीज़ बस, बसी हुई है कि आपने उठ के निहारमु गरम पानी पीना है या सारा दिन गरम पानी पीना है या जो भी पानी पीना है नीम गरम पीना है तो आपका वेट क्यों गिरता है मतलब ये बात सुनी हुई है अब मुझे बताएं ये किस हद तक ठीक है देखिए ये बात तो ठीक है कि एक आम मरीज या कोई भी इंसान उसको गरम पानी पीना चाहिए मगर गरम पानी से मुराद हम जिसको गरम कहते हैं वो चूल्हे पे गरम नहीं है नबी पाक नबी अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडे पानी को पसंद फरमाया मगर वो ठंडा पानी फ्रिज का नहीं था बर्फ का नहीं था अच्छा। वो मशीजे का था वो मटके का था मटके सुराई का, का था तो वो पानी भी अगर आप लेते हैं तो आपको वही फायदा होगा जो आप गर्म पानी की तरफ जा रहे हैं आपने वही पानी इस्तेमाल करना है आप दस बीमारियों से बचेंगे मगर जब बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जब प्यास लगे और आपने वन सिप लेनी है आपने तीन सासों में जो पानी पीने का एक सुन्नत अमल है या हम दीगर बात कर रहे होते हैं एक सांस में आपने गिलास भर के आठ गिलास तीन गिलास छः गिलास एक लीटर आठ लीटर पानी नहीं लेना आप डायलिसिस के पेशेंट बन जाएंगे ठीक है जी मयाना रवि रखनी है बहुत अच्छी बात है और हर चीज़ में मयाना रवि रखनी चाहिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए बहुत सारे सवाल थे बहुत ही सारे सवाल थे पर टाइम आपको पता है कि कैसे गुजरा मुझे तो पता भी नहीं चला और आपको भी यकीन नहीं पता चला होगा पर डॉक्टर साहब के नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं अगर आपने डिटेल में अपना चेकअप करवाना है है, अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है अपना मसला डिस्कस करवाना है तो आप इनके पास इनके क्लिनिक पे जा सकते हैं उससे पहले आप इनसे कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है टॉपिक पर भी बात करनी होती है आपकी कॉल्स भी लेनी होती है तो इस वजह से तमाम कॉल्स नहीं ले पाते पर आपके सामने ये जो नंबर आ रहे होते हैं इसकी वजह यही होती है कि आप शो के बाद इन्हें डायरेक्ट कॉल करके अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक से हम वापस आएंगे क्योंकि 11 बजे तक मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं और के ट्वेंटी हम सब के साथ हैं क्योंकि ये है चैनल के ट्वेंटी कराची का लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद